हाई माई डियर स्टूडेंट्स हेब यू वेलकम टू द सेशन आई होप आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है सो so, हम इस वीडियो में क्या करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू के पी वाई क्यूज को सॉल्व करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड माई नेम इज जूही नरूला तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर सी है सबसे पहले उससे बिगिन करते हैं दिस हैज बी इंटेस्टेड बिफोर तो आई विल जस्ट स्टेप असाइड आप अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लो अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हो यू कैन पॉज द वीडियो और अगर आप मैम के साथ करना चाहते हो सो यू कैन जॉइन मी सो ऑन द फोर्टींथ मेवनटीन नाइन वैक्सीन मैटर वॉज टेकन फ्रॉम द हैंड ऑफ अ डेरी मेड सारा एंड इंसर्टेड टू सुपरफिशियल मतलब कट इन द आर्म्स ऑफ जेन फिप्स अल्दी बॉय ऑफ अबाउट एट ईयर ऑफ एज तो बेसिकली वो फोर्टीन ऑफ मे का एक इंसिडेंस लिख रहा है था कि क्या हुआ था कि एक वैक्सीन uh, मैटर को लिया गया था किससे लिया गया था एक डेरी uh, मेड के हाथ से लिया गया था और सुपरफिशियली इंजेक्ट कर दिया गया था इन हेल्दी बॉय जिसका उम्र आठ साल था The boy went through an attack of cowpox as expected. So, what was expected? Hua ki us ko cowpox ho gaya. After this, it was necessary to determine whether he was protected from smallpox. After waiting two months, Jenner, so inoculated, inoculated means injected. Theke? In him, the material from a smallpox patient, he was delighted to note that the result was. दैट द बॉय वॉज नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स वट वॉज द रिजल्ट दैट हैज बीन गिवन तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट एक हुआ जहाँ पर एक डेरी वर्कर से क्या लिया गया कुछ uh, वैक्सीन मैटर लेके एक हेल्थी बॉय में इंजेक्ट किया गया एक्सपेक्टेड था कि उस बच्चे को काउपॉक्स हो बट Through the discussion, you can infer that ultimately that vaccine injected, which resulted in cowpox, protected the child from smallpox, right? So, this is what the paragraph is suggesting. Let's read further.

ये ऑब्जर्व करा कि या तो आपने कैजुअली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था मतलब डिजीज कैच कर ली थी या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन से यानी कि वैक्सीन लेके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था ऑफ़ एक्सीडेंटली अमंग डेरी वर्कर्स इन द कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन कनेक्टेड तो फिर फर्दर डिटेल दे दी कि तेरह में से सिक्सटीन केसेस कैसे हुए खुद के बच्चों पर भी उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखा जेनर डिमॉन्स्ट्रेटिव कंक्लूसिवली तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि द काटेक्ट द ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स तो जिसको या तो तुमने एक्सीडेंटली जिसको काउपॉक्स हो गया उसको उन केसेस में भी और जिनको आपने डेलिबरेटली इनोकुलेट किया उस केस में भी ऑब्जर्व किया गया कि अगर एक बार आपको काउ पॉक्स हो जाता है तो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है फ्रॉम स्मॉल पॉक्स सो पीपल हु वुड वांट टू रीड कैन पॉज द वीडियो पीपल हु वुड वांट टू कंटिन्यू सॉल्विंग विद मी दे कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो आफ्टर डॉक्टर जेनर हैड मेड टेस्ट ही अ पैम्पलेट तो टेस्ट के बाद उन्होंने क्या किया एक पैम्पलेट बनाया ठीक है So a pamphlet for publication he also went to london so that he might have the opportunity to introduce the subject personally to friends and demonstrate the truth of his assertion to them so what he did matlab next steps ate, ek apna logic established kar liya to. he remained in london for nearly 3 months right so he was there for 3 months in london without being able to find anyone who would submit to vaccination so he could not succeed there Jenner went back to gloucester

The patient, just trial, was a child suffering from a sort of uh, chronic hip joint disease. The vaccine material was inoculated, and the vaccine vehicle ran rather a normal course and healed fully. The little patient was afterwards inoculated with smallpox virus and found to be incapable of acquiring that disease. So that means the ultimately, test that was done that was successful.

In a way, the fate of vaccination hung in the balance and good luck was in favour. So, things worked well or no there was no Mr. Clean, however, after this became a strong advocate. So, because Clean observed him, so he became a advocate, strong advocate and brought it very decidedly before the London physicians. So, he put this very strongly in forward of the other physicians. It was not long before the opposition to the practice of vaccination took definite form. बेस्ट नोन लंडन फिजिशियम डॉक्टर मतलब एक सेगमेंट था मेडिकल का ठीक हैथिंग टू डू विद वैक्सीनेशन बट प्रोक्लेम्ड प्रोक्लेम्ड मतलब स्टेटेड ओपनली दैट इट वॉज अ डेंजरस इनोवेशन एब्सोल्यूटली अनजस्टिफाइबल तो बेसिकली ये वाले डॉक्टर इसको क्वेश्चन कर रहे हैं राइट इस पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं

ओनली अ फ्यू कलीग्स आर सो इलॉजिकल मतलब कुछ ही ऐसे कलीग्स थे या डॉक्टर्स थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेस कियाटली ओनली अ फ्यू कलीग्स आर इल लॉजिकल यानी कि रेस्ट ऑफ द कलीग्स आर बेसिकली वैलिडेटिंग वॉट द वॉट हैड बीन कंक्लूसिवलीमर्ज आउट व्ट हैली इमर्ज आउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डन कि भाई बॉडी आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है सो दट वॉट द Sentence is trying to communicate, right? So let's uh, read this uh, further now. and an excellent idea of how much jenner's discovery was appreciated by his contemporaries contemporaries matlab, the other doctors of the same time may be obtained from the number of honors diplomas addresses and communications from public bodies and distinguished individuals which he received so he got a lot of appreciation jenner uno the vaccination ko build kiya tha. most of the prominent prominent matlab famous medical and scientific societies of europe elected him a member or sent him some special token

ऑब्जर्वेशन करी कि अगर आप काउ पॉक्स किसी को हो जाता है तो उसके बाद आपकी बॉडी स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यून हो जाती है ही डेड सो मेनी टेस्ट देन इनिशियली कुड नॉट सक्सीड बट लेटर डॉक्टर क्लीन अप इट एंड एक्सपेरिमेंटेड एनफॉर्चुनेटली एवरी थिंग वेंट वेल एंड देर आर फ्यू पीपल हु क्रिटिसाइज इट बट देन रेस्ट ऑफ द कलीग्स कंटेम्पररी सपोर्टेड एंड यू गॉट अ लॉट ऑफ रिकोग्निशन फॉर द सेम सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन राइट सो लोकल रिएक्शन रेफर्स टू की लोकल रिएक्शन हो सकता था मतलब कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता था कोई साइड इफेक्ट हो सकता था सो एडवर्स रिएक्शन कॉज बाय इंजेक्शन यस एडवर्स कॉमेंट्स एंड प्रोटेस्ट नो इन दैट केस जो डॉक्टर क्लाइन ने एक जिसको हिप जॉइंट वाला बच्चा था उसको दिया तो वहां पर क्योंकि पहले ही बच्चे की हिस्ट्री थी तो जो इंजेक्शन था उससे कोई रिएक्शन हो सकता था बट इट डिड नॉट हैपन एडवर्स कॉमेंट्स की बात नहीं हो रही है इंकरेजिंग रिएक्शन नो इनकरेजिंग रिएक्शन फ्रॉम द पीपल ऑफ द लोकेलिटी इन रेलेवेंट चॉइसेस है तो आप देख रहे हो कैसे बहुत आसान है अगर पैसेज समझ गए तो पीवाई क्यू उसका अगर आप फॉर्म देखेंगे इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड यू विल बी वेरी इजीली एबल टू फेच द राइट आंसर राइट सो लेट्स ट्राई द सेकंड क्वेश्चन प्लीज सी टू दिस इफ यू वुड वांट टू पॉज द वीडियो डू द क्वेश्चन ऑन योर ओन वो भी आप प्लीज कर सकते हो

डॉक्टर वॉट कुड नॉट प्रूव वैक्सीनेशन कॉज मीजल्स तो डॉक्टर वॉट का डिस्कशन आउट ऑफ स्कोप है इनरेलीवेंट है मेडिकल सोसाइटीज अक्रॉस यूरोप यूरोप तो की तो रेगुलरली एंगेज इन सो दैट इज नॉट द रीजन ही गेटिंग हिज वर्क वॉज अप्रिशिएटेड सो दैट्स द रीजन सो बाकी मे बी कैन बी ट्रैप आंसर चॉइस बट इफ यू हैव टू फिगर आउट विच इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन वेरी इजिली पिक बी सो लेट्स कम टू दिस ट्राई दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चॉइसेस बहुत अच्छी तरीके से फैंसी तरीके से क्रिएट की गई हैं सो आई विल गिव यू सम टाइम सो दैट यू कैन वॉक थ्रू ऑल द एंड सी चॉइस फिट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे तो साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज आर मोर लाइकली टू हैपन सो मोर लाइकली टू हैपन देर इज नो सच कंपेरिजन राइट सो दिस चॉइस गोज आउट कोई ऐसा कंपेरिजन नहीं किया कि मोर लेस लाइकली है Documentation is key for disseminating science. So, we are not talking about how documentation played a pivotal role, right? So, that's not the major agenda of discussion. To explore the causes for vaccine hesitancy, so, what is the reason why to use vaccine? to find out the passage, it so be irrelevant. That's the beauty of the process of elimination. You keep on eliminating the incorrect answer choices. Whatever remains shall serve as the right answer, right?

फ्रेंड्स कुड नॉट अग्री इन फाइंडिंग्स तो फ्रेंड्स का अग्रीमेंट डिस अग्रीमेंट इज नॉट डिड द वैक्सीन डिड नॉट रिसीव एनी रिकॉन्शन तो रिकोग्शन के लिए नहीं गए थे पहले तो वो ट्राई करने गए थे ट्वेंटी थ्री केसेस पर पुट ऑन रिकॉर्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली जो जेनर की फाइंडिंग थी कि जिनको काउ पॉक्स हो गया उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा राइट right? इसको रख सकते हैं डॉक्टर जेनरे वॉज रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट नो दिस इज नॉट वॉट वी कैन से एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काउपोक्स है इसके लिए वो ट्वेंटी थ्री केसेज फूट फॉर्वर्ड नहीं किए थे ठीक है इट इज बेनिफिश इट बेनिफिशियल टू इम्यूनिटी वर्क विद हॉर्सेस अगेन

सो लेट्स रीड दिस इन्फॉर्मेशन अगर आपको खुद से अटेम्प्ट करना है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट सो यू विल एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन कमिंग लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन कम्स फ्राम ईडियम्स एंड फ्रेजेज वेयर यू शुड नो द राइट ईडियम तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाओगे यूजली क्या होता है कि आप पैसेज भी कई बार प्रॉपरली रीड नहीं करते तो वैसा भी नहीं करना और ध्यान भी देना है कि आप कोई सिली मिस्टेक ना कर दो सो लेट स्टार्ट रीडिंग दिस समेक मतलब भेस ले लेते हैं राइट सो स्पाइज कौन होते हैं जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी राजी उसमें जो आलिया भट्ट है वो स्पाई ही है राइट ऑफ इनोक्शियस इनोक्शियस मतलब जो हार्म नहीं करेंगे सेक्रेटरीज और रिसर्चर्स एंड आर एबल टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू देर हेड्स ऑफ एस्पोनाज एज दे आर सो so बेसिकली हो क्या रहा है कि जो जासूस है स्पाइस के हैं वो जासूस हैं वो क्या कर रहे हैं दे आर टेकिंग द गाइस मतलब वो ऐसा बेस धारण कर रहे हैं या ऐसा प्रटेंस कर रहे हैं ऐसा शो कर रहे हैं कि वो रिसर्चर्स हैं या सेक्रेटरीज हैं मतलब वो हार्मलेस हैं वो कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेंगे और वो आपके दुश्मन नहीं है और वो स्पाई नहीं है बट अल्टीमेटली वो क्या कर रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे होते हैं एज दे आर सो वी यूज दिस फ्रेज हाइडिंग इन प्लेन साइट राइट तो वो आपके सामने है, पर आप उनको पकड़ नहीं पाओगे राइट सो दी यूज राइटली द फ्रेज इज हाइडिंग इन प्लेन साइट सो हाइडिंग डॉक्यूमेंट वेरी क्राफ्टली मतलब फैंसी तरीके से हाइडिंग फ्रॉम वॉचफुल आइज हाइडिंग विद एवरी वन साइट ने ये एक फ्रेज है आपको इसका एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए द फ्रेज इज हाइडिंग इन प्लेन साइट तो अगर आप चाहो तो आप क्या करो इस फ्रेज को अपनी नोटबुक में लिख लो राइट right? सो so, होगा क्या कि जब आप रिविजन करोगे तो आपको बहुत मुश्किल नहीं आएगी एंड यू विल नो वेयर टू रिविजिट सो राइट दिस फ्रेज हाइडिंग इन प्लेन साइट राइट समथिंग दैट अपियर्स टू बी हिडन बट इट इज वेरी इजी टू सी और फाइंड ठीक है something which is which appears to be hidden right तो so, इस phrase का मतलब क्या होता है which appears to be hidden but is easy to find right so, contextually, I'm, I'm sure hoge, to the contextually i am sure इस एक्सप्रेशन को आप फिट कर सकते होगे समझ सकते होगे इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई दिस यू कैन पॉज द वीडियो राइट and uh, you can try the question तो so, fill in the blank का question है, simple question है। आप इसको try करो। so ever since girish won the prestigious enforces prize he has been behaving dash to usko ek prestigious prize mil gaya ever since so jab se prize mila hai prestigious matlab something which has got a reputation right to kaise behave kar raha hai एम्बिशियसली तो कैसे बिहेव करेगा राइट सो दिस आउट भी बिहेवियर नहीं कर सकता कॉन्ट्रोवर्शियल एक इवेंट uh, हो सकता है बट किसी का बिहेविंग कॉन्ट्रोवर्शियली फिट एंड सिमिलरली ओवरली भी राइट right चॉइस नहीं है कॉन्डेस्केंडिंगली मतलब खुद को सुपीरियर समझ रहा है और दूसरों को कम आक रहा है सो दैट्स वॉट द टर्म कॉन्डरस्टैंडिंगली मीन्स दैट मीन्स यू फील दैट यू आर बेटर देन द अदर्स और आप छोटों को कम आंकते हो या कम समझते हो या ऐसा शो करते हो कि मैं तो तुमसे बेहतर हूँ राइट दैट इज ऑल्सो मेकिंग सेंस इन द गिवन कॉन्टेक्ट सो वॉट विल बी द राइट आंसर बी राइट सो लेट सी दिस फ्लाइंग द सिंपल एरोप्लेन इज अ डैश फॉर द एक्सपीरियंस पायलट सो इसको बोलते हैं पीस ऑफ केक मतलब समथिंग विच इज वेरी इजी ज वेरी इजी टू डू अगेन ईडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है सो इसका भी आप मीनिंग लिख लीजिएगा पीस ऑफ केक समथिंग दैट मीन्स इज पीस ऑफ केक का मतलब समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू वेरी इजी टू अकम्पलिश तो आप एक इस फ्रेज को यूज करते हो राइट यू कुड राइट दिस नाइसली नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन For the past three decades, this chain of coffee shops has been committed to building a culture where everyone is welcome. They are an ally. Ally matlab supporter. Ally hai supporter to the LGBTQ community, and this is just one instance. One instance matlab, one example of there. So if there. इज़ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ये कॉफ़ी शॉप कैसी है कि ये एक ऐसा कल्चर बिल्ड करना चाहती है जो एवरी वन इज़ वेलकम और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का नाम लेके कह रहे हैं कि भाई देखो कि वो सपोर्टर्स हैं एल जी बी टी क्यू के तो और वो बोल रहे दिस इज जस्ट वन इंस्टेंस वन इंस्टेंस टू शो दैट एवरीबडी इज़ वेलकम एवरीबडी इज इंक्लूडेड राइट तो डिस्क्रिमिनेटरी तो ऑपोजिट हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी तो भेदभाव करना है डिस्क्रिशनरी विल ऑल्सो नॉट मैच और माइंडफुल होना होता है जब आप देखते हो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यूर बींग इन द प्रेजेंट बट द कॉन्टेक्सट इज नॉट अबाउट बींग ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंडफुल द कॉन्टेक्सट इज दैट यू आर बिलीविंग इन इंक्लूसिविटी आप सबको एक्सेप्टेंस दे रहे हो राइट एंड यू आर बिलीविंग इन डाइवर्सिटी

इसको हम इंग्लिश में बहते हैं यू गेट अ टेस्ट ऑफ़ योर ओन मेडिसिन तो जैसा तुम बिहेवियर शो करते हो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होता है राइट सो दैट्स हाउ स्पून ऑफ आर मेडिसिन नहीं इसका फ्रेज ही यही है राइट दिस इज द राइट यूसेज सो टेस्ट ऑफ़ आर ओन मेडिसिन इज यू गेट द सेम बिहेवियर विच इज़ यूजअली इन द नेगेटिव कॉन्टेक्ट कि अगर आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करोगे तो आपके साथ भी वैसा होगा सो यू गेट योर टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन राइट सो दैट्स हाउ द राइट फ्रेज इज सो बी विल बी द राइट आंसर

सपोज आपका कोई सीनियर उसको बहुत सक्सेस मिली तो यू लुक अप टू हिम राइट आप उसको देखते हैं एज एन एग्जाम्पल सो लुक अप टू तो नहीं होता लुक अवे दूर देखना होता है लुक टू वर्ड्स अगेन देर इज़ नो सच एक्सप्रेशन लुक्स डाउन टू क्योंकि वो बड़ी खानदान से आती थी तो वो लोगों को ऐसे देखती थी अच्छा ये तो अमीर नहीं है तो छोटे मोटे लोग हैं सो वट इज़ द राइट एक्सप्रेशन लुक डाउन टू राइट लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन I still have two more difficult exams left, uh, but so transition पे ध्यान देंगे तो difficult exam यानी yani transition दूसरी तरफ आ रहा है। I am trying to dash after these I won't have any more for an year. तो मतलब अब मेरे मुश्किल exam रह गए हैं पर पर मैं क्या हो रहा हूँ मैं ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ देख रहा हूँ कि चलो अब एक साल तक तो एग्जाम नहीं है ना सो दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू मेक माय सेल्फ हैप्पी और कंफर्टेबल राइट सो लुक ऑन द ब्राइट साइड दैट मीन्स यू आर सींग द पॉजिटिव ऑफ एनी सिचुएशन सो दैट्स वेयर वी यूज द फ्रेज द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए राइट सो दिस ब्रिंग्स आज टू द एंड ऑफ द डिस्कशन आई होप यू रियली